वैसे भी लेट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कहीं और कुछ मिल नहीं रहा। मैं भी टिकट चेक कर रहा था, इस पे जो प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3,30,000 रुपए। अंधेरा और ये खेला जा रहा है मालिक हमारे साथ। हेलो, हो गई है गुड मॉर्निंग और हम रह रहे हैं लाओस में 2 दिन से और ये है लुआंग प्रभांग और हम इतनी सुंदर जगह पे रह रहे थे लेकिन अभी हमारे यहाँ से जाने का समय हो गया है। हाँ, तो आज हम लाओस की फास्टेस्ट ट्रेन में बैठ के लुआंग प्रभांग से वियंटियन जा रहे हैं। yes. वैसे ये सिटी बहुत दूर है यहाँ से, 7 घंटे का रास्ता है अगर गाड़ी से जाओ, लेकिन हम पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे में। wow. फास्टेस्ट ट्रेन है, देखते हैं, पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे, चलो। अरे वाह, ये प्राइवेट सर्विस कैसे मिली है। वाह, तो वैसे तो ये जो ट्रेन की टिकट है वो होती है 2,500 की पर पर्सन सेकंड क्लास। यहाँ पे 2 क्लासेस है, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास, उसमें से हमने सेकंड क्लास ली है। फर्स्ट क्लास हमारी हुई नहीं। हमारा प्लान काफ़ी जल्दी जल्दी में बना तो हमने बड़ी लेट टिकट कराई तो हमें बड़ी मुश्किल से मिली। मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, हम रेयरली वैसे यू नो ट्रेन में हमें मौका मिलता है घूमने करने का, बट हम यहाँ पे जाएंगे वो भी फास्टेस्ट ट्रेन में। मेरे को एक्साइटमेंट है देखने की एक्चुअल में क्या होने वाला है क्योंकि काफ़ी हाइप है इस ट्रेन की यहाँ पे, देखते हैं। थैंक यू, ओके, हैव अ गुड ट्रिप, बाय बाय। तो हम पहुँच गए फाइनली ट्रेन स्टेशन, 20 मिनट लगे कुछ हमें पहुँचने में यहाँ पे, सो भी गई थी। तो फाइनली हम आ तो गए स्टेशन पे, लेकिन अभी है टाइम 1.5 घंटा है कुछ हमारे पास। अब लोग लाइन लगा के तो खड़े हो गए पीछे, पता नहीं हमारी टाइमिंग वाली ट्रेन है या कौन सी है। अभी हमें यहाँ आके पता चला कि हमारी ट्रेन जो है वो है 2:30 बजे की और हमें उसने 10 बजे छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब हम करें क्या यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये है, हमारे पास सिर्फ 1 ही दिन था घूमने के लिए, वो भी अब कम होता जा रहा है टाइमिंग। हम पहुँचेंगे थोड़ा दोपहर में लेट में और हमें कल सुबह निकलना भी है उस सिटी से। क्या से क्या हो गया मतलब समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। अब फोन भी नहीं उठा रहे भैया आप जिनसे हमने बुक करवाया है। He's like, हाँ, मरो ट्रेन स्टेशन पे, करो एंजॉय, हैव फन। तभी मैं कह रहा था 3-4 दिन पहले बुक कराना ज्यादा बढ़िया रहेगा, मिल भी जाएगी, इजीली मिलेगी, सस्ती मिलेगी और ऐसा टाइमिंग वाला नहीं होगा, टाइम वाला घपला नहीं होगा। तो हम टुक टुक वाली टैक्सी में सोच रहे कहीं चल लेते हैं, चिल कर लेंगे। अब भैया 200 रुपए लेके कह रहे हैं कि हमें छोड़ देंगे वापस उस एरिया में, हम थोड़ा घूम लेते अपना, क्योंकि 3 बजे की है और बज यहाँ पे 10:30 रहे हैं बट ट्रैवल करते यही होता है, कुछ भी हो सकता है। भोंडी हो गई हमारे साथ। भोंडी क्या होता है? बड़ी भोंडी हुई मतलब बहुत कटिया, मतलब यही सब चैन। हम द फेवरेट रेस्टोरेंट कैफे आर वेयर व्यू पॉइंट नो बोने बियर लव बियर क्लब इस स्पाइसेस सॉस इस वन फिनेसा सॉस। थैंक यू। हमने मंगाए हैं फ्राइड स्प्रिंग रोल्स, यहाँ के स्पेशल। ये फ्राइड स्प्रिंग रोल्स ऐसे नहीं बने हैं, ये राइस शीट के बने हैं, मोस्टली यहाँ पे सब कुछ ऐसे बनता है। हो गया हमारा समय यहाँ से निकलने का, चलो स्कूल ट्रिप पे, स्कूल ट्रिप भी लग रही है ये। ओके, ऐसे होता है, देखो बिहाइंड द सीन देख लिया लड़कियों, बिहाइंड द सीन का कैमरे पे हुआ मतलब चल चल अरे यार पूरे टाइम ऐसे ही कर रही थी, हमारा हगी टाइम नहीं हुआ सुबह से। आ गए भैया हमें लेने, एक काम तो कर दिया उन्होंने, एटलीस्ट हमें छोड़ रहे हैं, ये तो फोन ही नहीं उठाते हमारा, हमें ऐसा लग रहा था। लंच लंच अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल रिवर के साथ साथ, मेकोंग रिवर के साथ साथ। और तुम्हें याद होगा हम जब वियतनाम वाली ट्रिप पे गए थे वहाँ पे भी मेकोंग रिवर थी और वो यहाँ से चाइना से स्टार्ट होती है और यहाँ से वो तो है वियतनाम बिल्कुल साउथ तक जाती है, इतनी लंबी रिवर है। हमारी फाइनली 4 लाइनें बन गई, हम पहले ही आके खड़े हो गए थे क्योंकि बस बहुत हो गया, हम बस जाने चाहते हैं, चलो ले चलो। फाइनली बैठ गए, थोड़ा उल्टा बैठे हैं हम, उल्टी ट्रेन चलेगी, मतलब
ट्रेन इधर चलेगी और हम इधर बैठे। बीच में पता है एक फ्लावर वाली टेबल भी है, ऐसे बिल्कुल डेकोरेशन सी कर रखी है, तब कूल लग रहा था वो। अलग अलग तरीके की है, कुछ सीट उस तरफ है जहाँ हाँ। ट्रेन चलेगी उस तरफ, हमारी उल्टी है, हमारी उल्टी है, ट्रेन इधर चलेगी और हम उधर जा रहे हैं। एट दिस पॉइंट मुझे बस पहुँचा दो, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। हाँ लेकिन एक्सपीरियंस करने में मजा आया। चल भी पड़े 5 मिनट में, मतलब रुकी नहीं 1 सेकंड भी है। अगर हम थोड़ा सा भी लेट आते हैं यहाँ पे तो छूट जाती। ये वाली ट्रेन जो है वो फास्ट तो है, मतलब 160 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे चलती है। ये उतनी फास्ट नहीं है जितनी जापान वगैरह वाली होती है बुलेट ट्रेन, 300 किलोमीटर जितनी स्पीड की नहीं चलेगी है, लेकिन हाँ 160 किलोमीटर स्पीड है इसकी। हम बहुत जल्दी है मगर, लेकिन ये हमारा नहीं, ये हमारा स्टेशन नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन बस हमारी तो पार्टी चल रही है यहाँ पे और काम भी चल रहा है, प्लस यहाँ पे बीच बीच में ना स्नैक्स भी और खाना भी दे रहे हैं, मतलब तुम्हें परचेज करना हो दैट वे। बट गर्मी बहुत है, मन्नी को कुछ ज्यादा गर्मी लग, मैं तो बहुत कम्फर्टेबल हूँ, कोजी हो गई हूँ मैं, तो पसीने आ रहे हो तो। पहुंच गए, फाइनली, इतनी ठंड हो रखी है यार इस एसी में, इस ट्रेन में। ओ चलो यहाँ से हमारा जो होटल है वो दिखा रहा है अभी 40 मिनट के आसपास, और हमने टुक टुक ले ली है, 100 रुपए ले रहे हैं दो जनों के, सॉरी 1 लाख रुपए ले रहे हैं दो जनों के, तो 400 रुपए हो गए। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बात कम्युनिकेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है, जिससे भी पूछो वो यही प्राइस बता रहा है, तो चलो इसी में चलते हैं। लेकिन अभी चलने नहीं वाले जब तक पूरी भर नहीं जाती है, वेट करना पड़ेगा सबका। इट्स ओके, आई एम हैविंग फन। फाइनली होटल पहुंच गए, 6 बज गए, अंधेरा ही हो गया यार पूरा दिन। हमने सोचा था कि कुछ कर लेंगे अगर हमारी ट्रेन जल्दी होती तो, लेकिन कोई नहीं, अभी खाएंगे, रात बाकी है अभी, जोश पूरे है। शाम रात को थोड़ा सा घूमने का ट्राई करते हैं, लेकिन अपने को कल वापस जाना है, देखते क्या हो सकता है आज। एक रात ही है हमारे पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ गए हम फाइनली, चलो रूम टूर बाद में, निकलते हैं बाहर। वैसे हम सोच रहे थे कि स्कूटी ले ले, बट स्कूटी इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, एंड अगर मिलेगी भी तो वो सिटी में मिल रही है जो कि 25 मिनट का रास्ता है, अब कैसे जाए वहाँ पे। बेस्ट ऑप्शन साइकिल, पीछे बैठने का है इस पे, चलो चले। तो ऐसा नहीं होता है एड्रेनलिन रश, कहाँ गई थकान पूरी। फाइनली स्कूटी पार्क कर दी यहाँ पे, सॉरी साइकिल पार्क कर दी जहाँ पे स्कूटी पार्क होती है, और अब हम आ गए हैं नाइट मार्केट। यार ये तो प्रॉपर मेला लग रहा है यहाँ पे, कितना कूल है, मेकोंग रिवर के जस्ट साइड में, वाओ। अभी ये जो रिवर देख रहे हो इसके बाद वाली, इस रिवर को पार करोगे तो थाईलैंड, ये काइंड ऑफ बॉर्डर है रिवर। हाँ? है? हाँ। कितना सही लग रहा है, मतलब थाईलैंड और लाओ बस आसपास में ही है। यहाँ पे नाइट मार्केट के नाम पे छोटी छोटी अलग अलग मार्केट्स लगी हुई है। मेरे को यही कलरफुल मेन्यू बहुत पसंद आता है, पता है मैं सब खा सकती हूँ। लाइटें जला रखी है, बिल्कुल दिवाली मन रही है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे घूम के थोड़ा सा ऊपर भी चल के देखते है कि वहाँ पे क्या है, गलियों में क्या है। कितना अच्छा सुंदर लग रहा है मंदिर, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये वाली रोड अच्छी है अगर होटल लेना है पास में, मार्केट्स के पास में, तो मेरे को तो ये लाओ ऑर्किड होटल है, उसके पास में जितने भी होटल है वो सारे सही है, मतलब पास में भी है, हमारा थोड़ा दूर है 15 मिनट के रास्ते पे, साइड हो जा बेटा। मेरे को हटा ही दिया गया, मेरे को इस प्रॉपर्टी से निकाल लग रहा है। पहले तो अपनी साइकिल लेके आनी पड़ेगी पार्किंग से, फिर हम यहाँ आके बैठ के खा पाएंगे। ऐसे किसी भी कैफे में घुस के वीडियो बना रहे हो, कितना प्यारा नहीं लग रहा। हाँ। ये तो पूरा क्रिसमस न्यू ईयर सब रेडी है ये। लेकिन इस कंट्री में आने का यही सीजन है मेरे हिसाब से, अगर हम जुलाई में आने की सोच रहे थे, अगर जुलाई में आ जाते ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि गर्मी गर्मी, लेकिन अब इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, जहाँ जाओ वहाँ मस्त हवा चल रही है। तो फाइनली हमने डिसाइड कर ली जगह, हम आए पपाओ, यहाँ पे लाओ और थाई फूड दोनों है, वैसे हर जगह ही मिल रहा है इस गली में, इसलिए उनका नाम पपाओ है। पपाओ प्रॉब्लम, हमने तो मस्त ये श्रिम्प कुछ करी टाइप कुछ थाई, कितना यम्मी, ओ गॉड।
और भी कुछ मंगाएंगे, लेकिन अभी के लिए आज हमारी यही लास्ट स्पॉट है। और कुछ समझ नहीं आया हमें यहाँ कहाँ जाए, लेकिन कल कुछ ट्राई करते हैं सुबह जल्दी उठ के। हमने इतना कुछ खाया पिया और हमारा बिल आया 1000 रुपये, यहाँ के 2.5 लाख रुपये, 2,40,000। एक तो मेरा कैमरा बड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मेरे को फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है, पता नहीं वो बार बार ब्लर हो रही है सारी वीडियोस, तो ध्यान रखना पड़ रहा है धीरे धीरे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हमारा वियंतियान में, और कल रात तो हमने होटल देखा ही नहीं था, हम जैसे सामान रखा भाग गए, सुबह उठ के आ गए। ऑल्सो एक और दुर्घटना हो गई हमारे साथ, हमारा कैमरा खराब हो गया, बता रहा था। अच्छा, कल खराब हो गया, मतलब खराब नहीं हुआ, उसमें कोई गड़बड़ी आ रही है, वो घर जाके सॉल्व होगी, यहाँ नहीं हो सकती, सेंटर पे दिखाना पड़ेगा। और साइकिल से तब मजा आया पता है, रात को खुद ही अपना ट्रैवल कर रहे हैं, सो कूल। इतने दिनों बाद मैंने फोन से व्लॉगिंग कर रही हूँ, इतना मजा आ रहा है मेरे को, इतना हल्का सेटअप लग रहा है पता है, और पहले ही भारी लगता था, और कैमरा आने के बाद अभी हल्का लग रहा है। आपको प्राइस दिया जाता है। हमें मिल गई है हमारी ब्रेकफास्ट की स्लिप, मैंने तो देखो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली है, मेरा तैयार है, मन्नी अभी आ रहा है रेडी होकर, तो हम खाएंगे। यस, सुबह सुबह सब यहाँ पे फ्राइड राइस खाते हैं, वही खा लेंगे हम भी। मैं तो तेरे बिना पता इतने मजे किया मैंने, मस्त अपने पैन केक टोस्ट कॉफी सब मंगाया है। जा रहे हैं होटल से अब ट्रेन स्टेशन की तरफ, होटल से पता किया हमने, टैक्सी मिल रही थी, लेकिन हमें कुछ 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे, 2.5 लाख कीप मांग रहे थे यहाँ के, जो कि हो गए 1000 रुपए के आसपास। लेकिन मजा आया, यहाँ पे थोड़ा सा चिल कर लिया, अब आप टुक 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 टुक, अरे भैया, अरे यहाँ कैसे बुलाते हैं। ये भी 2.5 लाख ही ले रहे हैं और कोई मिल भी नहीं रहा है, मतलब 1000 रुपये पड़ेंगे। वैसे 40 मिनट का रास्ता है, ठीक है, कल हम शेयरिंग में आए थे इसलिए 400 दिए थे, अब हम अकेले आ रहे हैं तो ठीक है 1000 रुपये दे के चल लेते हैं, वैसे भी लेट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कहीं और कुछ मिल नहीं रहा। हम पहुँच गए, अब 20-30 मिनट लग गए हमें पहुँचते पहुँचते, और हमने टिकट ले ली है ये फिजिकल वाली, हमारे पास QR कोड था, एक फ़ायदा हो गया, हमने ये जो डायरेक्ट वाली टिकट कराई थी इसमें हमें टाइमिंग पक्का पता था कि हमारी 11 बजे की है, इसमें कोई घपला नहीं हुआ। अब सीधा 11 बजे की है, अभी 10 बजे बज रहे हैं, अभी 10, तो अभी एक घंटे बाद है, आधे घंटे पहले वो शुरू हो जाती है चेक इन। मैं अभी टिकट चेक कर रहा था, इस पे जो प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3,30,000 रुपये, मतलब ये हो गया कुछ 1,300-1,350 रुपये, और हमें पड़ी है 2,500 रुपये की एक टिकट, मतलब कि हम यहाँ से अगर करवाएंगे फिजिकली आके तो सस्ती पड़ेगी। हाँ, अगर फिजिकल टिकट यहाँ से ले लो ना आके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन 3-4 दिन पहले आना पड़ेगा तुम्हें, अगर जिस दिन ट्रैवल करना है उस दिन से 3-4 दिन पहले, तो मेरे हिसाब से तो लाओ उतरो, पहले अपनी ट्रेन टिकट बुक करा लो, 3-4 दिन जाने की, आने जाने की पहले करा लो 3-4 दिन पहले ट्रैवल करने से, और तुमको हाफ प्राइस में आना जाना मिल जाएगा, मतलब फुल जितने प्राइस में हम एक तरफ जा रहे हैं उस प्राइस में आना जाना हो सकता है हमारा, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। और लाइन लग गई, चलो अपना ये बढ़िया हो गया, हमें 2 वाली सीट मिली है, यहाँ पे 3 मिली है, लेकिन हमें सबसे पहले वाली 2 मिल गई है, हमने तो रैंडमली कराई थी, हमें कोई सिलेक्ट नहीं करने को मिली थी। पिछली बार ये हो रहा था कि आगे से जो विंडो शेयर हो रही थी ना, तो वो बार बार बंद कर रहे थे, अब हम खुद से ही बंद कर सकते हैं, खुद से खोल सकते हैं जैसे हम चाहें। छोटी छोटी खुशियाँ। तो फाइनली अब हम पहुंच गए वापस लुवांग प्रभांग, आराम से आ गए बैठ के, थोड़ी देर सो भी लिए थे, अब बस कुछ नहीं, आज हम एक दिन और रहेंगे। अगर तुमने ये सिटी वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना पहले वाले ब्लॉग में, लेकिन हम पूरा घूम चुके हैं इस सिटी को, बस हम आज रुकने के लिए आए हैं, एक छोटा सा होटल भी कर लिया है, वो भी दिखा दूंगा, वो भी काफ़ी रिवर के पास है, अच्छा है, सस्ता भी है, जो हमने पहले वाला किया था उससे सस्ता है, तो वो भी दिखा दूंगा, मतलब दिखा दूंगा क्या, दिखा रहा हूँ आई गेस, पीछे वीडियो लगा दी होगी मैंने, एंड बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कहीं और किसी और जगह पे, क्या कहते हैं, बाय बाय बाय, थैंक यू साथ देने के लिए, बड़ा डिफिकल्ट टाइम था कल वाला, लेकिन फिर भी हमने कर दिखाया सच में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।